नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलरामपुर जिले में अस्पतालों से हमदर्द बनाने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ दवाओं की किल्लत, जांच सुविधाएं न होने से अधिकारियों कर्मचारियों की मनमानी, राहत देने की जगह दर्द बढ़ रही है। बलरामपुर जिले में संयुक्त जिला चिकित्सालय में कुछ ऐसे ही डॉक्टर हैं जो बाहर की जांच और दवाइयाँ लिखते हैं। उन्हें सिर्फ मरीजों से पैसा कमाना है और बाहर की जाँच लिखना है। इससे चोट लगने, अन्य लोगों की जाँच कराने आने वाले मरीजों को निजी जाँच केंद्रों पर जेब खाली करनी पड़ रही है। दवाओं की भी किल्लत है। वही डॉक्टर रेशमा, डॉक्टर उम्मे खतीजा बाहर की दवाएं लिखते हैं, जांच लिखती हैं। इनका कहना है कि हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, ऐसे में मुफ्त इलाज की उम्मीद लेकर आए मरीजों व जिम्मेदारों को हजार रुपए की दवा और सामान खरीदने का पर्चा पकड़ा दिया जाता है। संयुक्त जिला चिकित्सालय परिषद में खड़ी खराब एम्बुलेंस भी समय से इलाज की उम्मीद पर पानी फेर रही है। तो वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोकैया या जिला महिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस खराब पड़ी है जो उम्मीद पर पानी फेर रही है। वहीं मरीजों के पैर में चोट लग गई थी या कोई भी मरीज के सीने में चोट लग गई हो या कहीं पर भी चोट लग गई हो तो उनका अल्ट्रासाउंड बाहर से कराना पड़ता है। डॉक्टर से मिली भगत से अपने आमदनी आए दिन दुगनी करते हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर में निःशुल्क डायलिसिस पर सेवाएं ना तो यहाँ डॉक्टरों की तैनाती की गई है और ना ही कोई सुविधा है। सब हवा हवाई साबित हो रहा है। आए दिन अधिकारी निरीक्षण करके और चले जाते हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर में निःशुल्क डायलिसिस पर सेवा नहीं तो यहाँ डॉक्टर की तैनाती की गई है और ना तो कोई सुविधा है। सब हवा हवाई साबित हो रहा है। आए दिन अधिकारी निरीक्षण करके और चले जाते हैं। न्यूज 9 भारत के लिए प्रमोद पांडे की रिपोर्ट। इस पर कार्रवाई ये करेंगे, आपने मुझे अवगत कराया है, इसकी आप एक लिखित में वो कर दिए, मुझे उसका नाम और पता दे दिए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो जो भी उचित होगा करेंगे। आज दिनांक 12/5/2022 को कुख्यात गैंगस्टर रिजवान जहीर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों में से जनपद बलरामपुर में अर्जित भूखंड, कोठी में सामान तथा स्टेट बैंक तुलसीपुर, पंजाब नेशनल बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक तुलसीपुर के खाते जब्त किए गए। जब्त की गई संपत्ति लगभग 4 करोड़ की है। जब्ती की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। धन्यवाद।